Good morning friends, welcome once again to Nifty Analysis from tradingfab.in. Today 13 February 2019, Wednesday है, इस वीक का थर्ड ट्रेडिंग सेशन है और अभी सुबह के 7:58 हो रहे हैं। कल हमने देखा एक फ्लैट पैटर्न था निफ्टी इंडेक्स में पूरे दिन और लास्ट जब एक घंटा बचा था तभी एक सडन फॉल आया वहां पर। तो क्या सपोर्ट लेवल्स होंगी नेक्स्ट, क्या कोई पॉसिबिलिटी है बाउंस बैक मूव की, ये देखेंगे। लेकिन उससे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करेंगे, फिर ग्लोबल मार्केट के हालात देखेंगे और फिर निफ्टी के चार्ट के ऊपर जाएंगे। ठीक है, ये एक पिक्चर है कल का, यानी 12 फरवरी आफ्टर मार्केट आवर से पिक्चर लिया हुआ है। अगर आपने हमारा कल का वीडियो देखा है, अगर नहीं देखा होगा तो ऊपर आई बटन में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। तो कल के स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर निफ्टी इंडेक्स टूवर्ड नॉर्थ की तरफ बढ़ता है तो हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था अराउंड 10,927 के पास और ब्रेक डाउन लेवल बन रहा था 10,853 के पास। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये आर्ली चार्ट है निफ्टी इंडेक्स का, एक कैंडल हमें उस घंटे का ओपन हाई लो और क्लोज ये प्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे ही हमारा ब्रेक डाउन लेवल लास्ट जो कि एक घंटा बचा था तभी जब ये ब्रेक हुआ तो हमारा फर्स्ट टारगेट 10,830 ये अचीव्ड हुआ और उसके बाद एग्जैक्ट क्लोज इसी लेवल के पास हुआ 10,830 के पास। तो काफी एक्यूरेट साबित हुआ कल और स्ट्रैटेजी के हिसाब से अराउंड 20 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और अगर 10 लॉट के हिसाब से ट्रेड करते तो अराउंड 15,000 का प्रॉफिट यहाँ पर बन सकता था। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू, चलते ग्लोबल मार्केट के हालात देखते हैं। कल अमेरिकी बाजार डाउ जोन्स नासडैक में जबरदस्त बढ़त देखने को मिली। यूएस और चाइना में ट्रेड वॉर के ऊपर बातचीत शुरू हो गई है, इसके ऊपर यहाँ पर मार्केट ने पॉजिटिव रिप्लाई दिया है। उसके बाद यूरोपियन मार्केट देखे तो वो भी हरे निशान में कल बंद हुए थे। आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो जापानीज मार्केट 317 पॉइंट के बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट। चाइना मार्केट भी हरे निशान में है और हांगकांग मार्केट भी 91 पॉइंट के बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। डाउ फ्यूचर देखें तो 79 पॉइंट की बढ़त देखने को मिल रही है और एसजीएक्स निफ्टी भी 27 पॉइंट के बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। तो ग्लोबल मार्केट से आज पॉजिटिव संकेत है, देखते हैं निफ्टी चार्ट में क्या हो सकता है, आज क्या लेवल्स हो सकते हैं इंट्राडे की। वीकली चार्ट से शुरू करेंगे, यह है वीकली चार्ट निफ्टी इंडेक्स का। यहाँ पर अभी सपोर्ट लेवल जो है वो 20 ईएमए का है, ये जो पिंक लाइन है ये 20 ईएमए का लाइन है जो कि अराउंड 10,800 के पास है एज पर वीकली चार्ट। और नेक्स्ट सपोर्ट है ये ब्लू लाइन जो कि 50 ईएमए का लाइन है जो कि अराउंड 10,700 के पास है। और ऊपर रेजिस्टेंस देखें तो फर्स्ट रेजिस्टेंस 10,880 का बनता है, जहाँ पर हमने कई सारे पास्ट वीक में देखा कि इसने रेजिस्टेंस फेस किया था, इसके ऊपर क्लोज नहीं हो पा रहा था। तो ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है और उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस 10,985, ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल से, और उसके बाद 11,089 जो कि हमने देखा था प्रीवियस वीक में, ये लेवल इसने अचीव किया लेकिन हालांकि यहाँ पर सस्टेन नहीं हो पाया। ठीक है, तो अभी ब्रॉडर रेंज में देखे वीकली चार्ट में तो ऊपर 11,089 के पास रेजिस्टेंस है और ये नीचे 10,700 के पास सपोर्ट लेवल है। इस दायरे में निफ्टी इंडेक्स ट्रेड कर सकता है। ठीक है, काफी बड़ा रेंज है ये, ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स का है, तो इसके बीच में ये ट्रेड हो सकता है। ये लेवल्स अगर टूटते हैं तो हमें फर्दर ट्रेंड का कंफर्मेशन मिल सकता है। ठीक है, इस वीक में देखें तो ओपन और हाई सेम लेवल पे हुआ है 10,930। अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो हमें अपसाइड मूव आने के चांसेस होंगे। ठीक है, तो यह है वीकली चार्ट का सिनारियो, चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में ये जो बुल रैली आई थी एक छोटी सी, 5 ट्रेडिंग सेशंस यहाँ पर पॉजिटिव कैंडल देखने को मिली थी, उसके बाद यहाँ पर एक दोजी कैंडल बना और फिर ये फॉल आ गया। ठीक है, तो अभी फिलहाल ये सपोर्ट लेवल के पास है जो कि कंबाइन सपोर्ट आ रहा है 50 ईएमए और 100 ईएमए जो कि अराउंड 10,828 और 10,800 के पास है। तो यहाँ पर जबरदस्त सपोर्ट है, हो सकता है यहाँ से बाउंस बैक हो। अगर ये भी लेवल ब्रेक करता है 10,800 का, ये लेवल अगर ब्रेक करता है तो फिर से एक बार हमें 10,675 के लेवल्स यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। हालांकि यहाँ पर सपोर्ट लेवल्स है
और अगर मैं यहाँ पर इस अप मूव का रिट्रेसमेंट ड्रॉ करूँ तो 61.8% का लेवल आ रहा है 10,787, ऑलमोस्ट 800 के पास। तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है इस दायरे के अंदर, तो यहाँ से एक छोटा सा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। हालांकि ये अपसाइड मूव है, ये कहा नहीं जा सकता, ये रिकवरी हो सकती है, ये जो फॉल आया है इसका ये रिकवरी हो सकता है। ठीक है, हम अप ट्रेंड कब कहेंगे, जब ये जो स्विंग हाई बनाया है ये जब ब्रेक होगा तब ये प्रॉपर अप ट्रेंड में है ये हम कह सकते हैं। अभी फिलहाल ये जो फॉल आया है इसके बाद ये थोड़ी रिकवरी आ सकती है अगर बाउंस बैक आता है तो। देखते हैं ये सपोर्ट निफ्टी इंडेक्स यहाँ पर सपोर्ट टेस्ट करता है या फिर ये ब्रेक करता है। ठीक है, डेली चार्ट का सिनेरियो ऐसा है कुछ ना ही, यहाँ पर बुलिश पैटर्न बन रहा है जो कि हायर हाई हायर लो का पैटर्न होता है, और ना ही डाउन ट्रेंड का पैटर्न बन रहा है जो कि लोअर हाई लोअर लो होता है, साइडवेज पैटर्न है। ठीक है, चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, क्विकली इंट्राडे स्ट्रैटेजी बनाएंगे। यह है 60 मिनट का चार्ट निफ्टी इंडेक्स का। अगर ये कल का लो अगर ब्रेक करता है कंफर्टेबली अगर ये कल का लो ब्रेक करता है अराउंड 10,823 का ये लो अगर ब्रेक करता है तो हमें इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजीशन हम बना सकते हैं, और फर्स्ट टारगेट तभी होगा 10,799, ऑलमोस्ट 10,800 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट 10,768। ठीक है, और कल जो यहाँ पर हम देख रहे थे कि 100 EMA को ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था यहाँ पर, और यही अभी R1 का पिवट पॉइंट का लेवल आ रहा है, तो इस लेवल के ऊपर यानी अराउंड 10,895 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 10,919, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट होगा 10,942। ठीक है, ये लेवल्स अगर कंफर्टेबली इसके ऊपर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम बाय पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आज के लिए इंट्राडे लेवल्स, इंट्राडे स्ट्रैटेजी। अगर आपको ये वीडियो या एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।